हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिनका ज़िंदगी को लेके बहुत ही अच्छे विचार है। इनका मानना है ज़िंदगी जीना एक कला है, जिसने समझ लिया उसने जी लिया। तो आइए मिलते हैं, इनका नाम है डॉक्टर जी राजेंद्र कुमार। हेलो सर। वैसे तो ये मेरे फ्रेंड भी हैं और इन्होंने मेडिसिन में डॉक्टरी कर रखी है। बहुत सालों से ये बच्चों को स्कूल में टीचिंग करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मल्टी टैलेंटेड पर्सन इसलिए हैं, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला है, मेडिसिन में स्टडी कर रखी है, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे कुक हैं और सबसे अच्छी बात, लोगों को ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाते हैं। अब तो साथ में ये बहुत अच्छी पामिस्ट्री रीडिंग भी करते हैं, तो आई थॉट वाई नॉट ये अपनी जो नॉलेज है आप सभी के साथ शेयर करें। जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है एटलीस्ट ये बताएं और वो भी इसका लाभ उठाएं और अपने बहुत अच्छे जोक सुना के लोगों को हंसाते हैं। तो आइए मिलते हैं सर से और जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं पामिस्ट्री रीडिंग के बारे में। तो सर, आज हम पामिस्ट्री के बारे में क्या सीखने जा रहे हैं? नमस्कार भाई और बहनों, हस्तरेखा विज्ञान एक समुद्र शास्त्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पामिस्ट्री कहते हैं। ये बहुत बड़ा समुद्र सरीखा है। इंसान इसमें पूरे अपने मनुष्य के जीवन के बारे में अगला पिछला सब पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसका पूरा ज्ञान हो सके। मेरा जीवन काल पूरा अध्यापक में गया, इसलिए मुझे अच्छा अनुभव है कि बड़ी चीज़ों को छोटे में किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को लोगों को समझा सकूँ। मैं इतने 20 साल से जितना भी पढ़ा हूँ, जितने भी मैंने स्टडीज़ किए, जितने भी रिसर्च किए लोगों के हाथों पे, वो सब के बारे में मैं आपको बहुत कम में ज्ञान दिखाऊंगा। जिसे हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जिसका नॉलेज शून्य है, उस व्यक्ति को भी अगर ये वीडियो देख लेंगे 4-5 मिनट की जो भी है, तो आपको अवश्य मैं बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। बट सर, मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है। लोगों का मानना होता है कि जैसे कि पामिस्ट्री समवेयर एक फेक भी है, जिसके हाथ नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा भी था, जिनके हाथ नहीं है उनकी किस्मत फिर कैसे है? उनकी किस्मत रहती है, क्यों नहीं रहती है? उनकी किस्मत अंदर रहती है, दिखती थोड़ी है सभी को हाथ में, माथे पे दिख रहे थे, दिल में रहती है। भोगता तो रहे वो आदमी, इंसान तो भोगता है ना। देखो, मैं अपने केवल हिंदुस्तान में हिंदू शास्त्र नहीं, आज इसे नहीं कि वेस्टर्न लोग भी मानते हैं, वो भी पामिस्ट्री पढ़ते हैं। किरो ने भी बचपन में जो किताबी शुरुआत की वो किरो से की। किरो ने पामिस्ट्री का ज्ञान हस्तरेखा विज्ञान भारत में सीखा। शुरुआत मैंने भी किताबें किरो के पढ़ के शुरुआत की थी, बाद में हिंदू धर्म की किताबें पढ़ा मैं। आज भी वेस्टर्न में भी पामिस्ट्री को मानते हैं, परसेंटेज कम है। ओके, तो वैसे भी ये क्वेश्चन एक डिबेट है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। इट्स ओके, जिसको बिलीव करना है कीजिए, जिनको नहीं करना है वो उनकी चॉइस है। बट यस, आज सर हमें बहुत बेसिक चीज़ें बताएंगे पामिस्ट्री के बारे में, जिसका नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है, जिसको कुछ भी नहीं आता। प्लीज़ आज हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे हस्तरेखाओं के बारे में। प्रत्येक मनुष्य के हाथ में 4 मुख्य रेखाएं होती है, 4 मुख्य रेखाएं होती है हर एक व्यक्ति के हाथ में। नंबर 1 रेखा कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसे हार्ट लाइन कहते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, कानी उंगली से, जिसे इंग्लिश में लिटिल फिंगर कहते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, अंत कहीं पर भी होता है। हर एक व्यक्ति के हाथ में अलग अलग रेखाएँ होती है, अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग रहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति की जो रेखाएँ रहती है उसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। आप लोग शुरुआत सीख लो, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। दूसरी होती है ये मस्तिष्क रेखा, जिसे अंग्रेजी में हेडलाइन कहते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, छोटी उंगली के नीचे से, जिसे अपन फर्स्ट फिंगर कहते हैं। इसका भी अंत का स्थान नहीं रहता, हर एक व्यक्ति के हाथ में अलग अलग जगह पर इसका अंत होता है। किसी की यहाँ पर उंगली, किसी की यहाँ पर, किसी की यहाँ पर, किसी की यहाँ तक के भी आ जाती है। फिर वो अंत का हर एक जगह का अपना स्थान रहता है, उसके बारे में आप बाद में सीखेंगे। अभी आपको नहीं, सिर्फ ये 4 लाइनों के बारे में ही सीखना है। हो गया, हार्ट लाइन सीख लिए, हृदय रेखा सीख लिए, हेड लाइन सीख लिए, मस्तिष्क रेखा, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, अंत कहीं पर भी हो सकता है। हेड लाइन मस्तिष्क रेखा, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, अंत कहीं पर भी हो सकता है। और तीसरी आती है लाइफ लाइन, जिसे अंग्रेजी में लाइफ लाइन कहते हैं, हिंदी में आयुष्य रेखा कहते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और पूरी घूमते हुए मणिबद्ध तक यहाँ तक आ जाती है। इसका भी अंत का कोई ठिकाना नहीं रहता, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में अलग अलग जगह पर होती है। किसी की यहाँ रुक जाती है, किसी की यहाँ रुक जाती है, किसी की यहाँ तक आती है। अब आते हैं चौथी मुख्य रेखा पर, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा भी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसे फेट लाइन, कैरियर लाइन सब कहते हैं।
इसकी शुरुआत अच्छी यहाँ से होती है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से भी होती है, यहाँ से भी होती है, इसलिए इसकी शुरुआत का पॉइंट अलग रहता है। बाकी तीनों रेखाओं में अपन ने देखे कि उनका प्रत्येक का स्थान एक ही रहता, सिर्फ ये रेखा का स्थान अलग रहता, किसी की यहाँ शुरू होती है, किसी की यहाँ शुरू होती है, किसी की यहाँ शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है। हमने अभी तक चार लाइनों के बारे में अपन ने सीख लिया है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, धन रेखा, हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन और फेट लाइन। अब उसी लाइनों के बारे में अपन थोड़ा और कुछ सीख लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आप अगर देखेंगे तो जो मेजर लाइन्स है, बड़े बड़े लाइन्स, इसमें कुछ नहीं क्या स्मॉल हेयर लाइन्स वगैरह दिखेंगे जो ऊपर की ओर नीचे की ओर आते रहते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब ध्यान से इधर देखिए, ये अपने ने क्या हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा में से ऐसे छोटे 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 हेयर लाइन जा सकते हैं, जैसे अभी मस्तिष्क रेखा, इसमें से भी कुछ ऊपर जा सकते हैं, कुछ नीचे भी आ सकते हैं, फेट लाइन में से भी कुछ नीचे आ सकते हैं, कुछ ऊपर जा सकते हैं, इधर इधर किधर भी जा सकते हैं, लाइफ लाइन में से भी कुछ ऊपर जा सकते हैं, कुछ नीचे आ सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो मेजर लाइन्स है, इसमें से जो हेयर लाइन्स निकल रही है, अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर जितनी भी ब्रांचेस जा रही है, रेखाएं जा रही है, वो सब नेके इस लाइन को नेके ताकतवर बनाती है। जैसे अभी ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा में से अगर कोई लाइन्स ऊपर जा रही तो वो उसको नेके और ताकत देते रहती है। अब दूसरी बात यह है कि डाउनवर्ड ब्रांचेस, नीचे की ओर आने वाली, नीचे की ओर जो शाखाएं आती रहती है, ब्रांचेस रखी आते रहती है, वो क्या करती है, इस मुख्य लाइन को कमज़ोर करती है। उसकी एक उम्र रहती है, उसका वो टाइम रहता है, कहाँ पर क्या है वो बाद में सीखेंगे, लेकिन नीचे की आने वाली लकीरें जो रहती है वो अनफेवरेबल रहती है। अभी तक अपन ने चार रेखाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिए, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, धन रेखा। अभी ये चार रेखाओं में से किसी 1,000, 10,000, 15,000, 50,000 व्यक्ति के, किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी एक रेखाएँ डबल होती है। देखेंगे आप किसी व्यक्ति के हाथ में कोई एक रेखा डबल होती है, किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा होती है, किसी के हाथ में धन रेखा डबल होती है, किसी के हाथ में लाइफ लाइन डबल होती है। तो आज उसी डबल रेखा के बारे में अपन सीखेंगे। आज अपन जानेंगे कि लाइफ लाइन की अगर सिस्टर लाइन जो बाजू में रही उसके बारे में क्या कहते हैं। इसे वेस्टर्न पामिस्ट्री में इसको एंजल लाइन कहते हैं, मार्स लाइन कहते हैं, सिस्टर लाइन ऑफ द लाइफ लाइन भी कहते हैं, लेकिन अपने हिंदू पामिस्ट्री में इसे मंगल रेखा कहते हैं, क्योंकि ये मंगल का पर्वत है, मंगल के पर्वत से शुरू होती है, इसलिए इसको यहाँ से मंगल पर्वत निकली, इसलिए मंगल रेखा कहते हैं। ये रेखाएँ करने के दर्शन बहुत अच्छी बात है। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में अगर कोई भी एक रेखा अगर दो बार रही, डबल रही, तो उसको समझ लेना बहुत भाग्यवान है वो व्यक्ति। अब ये जिसे अपन ने के मार्स लाइन कहते हैं, एंजल लाइन कहते हैं, इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है, उसके बाजू बाजू से पैरेलल होते हुए आते रहती है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों की यहाँ पर रुक जाती है, किसी की यहाँ रुक जाती है, किसी की यहाँ रुक जाए, किसी की रुकते 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 यहाँ तक आती है। लेकिन अगर सीधी उसके पैरेलल में बिगड़ रुके यहाँ तक के चले आए, ये बहुत अच्छा साइन है गिफ्ट। ये लाइन रहने वाला व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान रहता है। इसे क्या कहते हैं, 7 सेंसेशन नहीं, इस व्यक्ति के पास 8 सेंसेशन रहता है, इसको सब पूर्वाभास होते रहता है। ऐसा व्यक्ति जंगलों में चले जाए, युद्ध में चले जाए, कहीं समुद्र में चले जाए, प्लेन एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन इसकी अगर ये रेखा है तो ये व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा उसे बचाते रहती है हमेशा। ये रेखा का बहुत अच्छा स्थान रहता है, बहुत अच्छा मानती है इसको, अपने हिंदू पामिस्ट्री में मंगल रेखा कहती है। किसी के हाथ में ये रेखाएँ रहती है, मेरा 20 वर्ष का अनुभव है कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, कई बार मौत के नज़दीक भी चले जाता है लेकिन बच के आता है, तकलीफें बहुत रहती है बचते रहता वो, एक्सीडेंट होंगे, ऑपरेशन होंगे, गोली लगेंगे, बिल्डिंग से गिरेगा, कहीं से भी गिरेगा, लेकिन जान बचती ही रहती है उसके हमेशा के लिए। एक तो ये गुड साइन, और ऐसे आदमियों के पास में एक दैविक शक्ति रहती है। इनके पास जब कोई ग्रह इनके काम नहीं करते, कोई प्लैनेट इनका काम नहीं करता, सब जगह अगर ये फेल हो गए पूरे प्लैनेट, तो ये जो लाइन है ये पावरफुल हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि कुछ कुछ मशीनरी रहती है, जहाँ सब सिस्टम फेल हो जाता है तो एक सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार से सारी रेखाएं जब काम करना बंद कर देती है, ये जो एंजल लाइन है ये अपना काम जादू दिखाना शुरू कर देती है। ऐसे व्यक्ति के पास में स्मरण शक्ति के अलावा आगे का दिखता भी बहुत है कि कल क्या घटेगा, कल क्या होगा। इन लोगों के पास में बहुत बड़ा एज सेंसेशन रहता है। ये लोग ने क्या गॉड गिफ्ट के समान ने क्या अपने हर मुसीबत को आगे लेके चले जाते रहते हैं। भाग्य रेखा नंबर 2, जिसे अपन भाग्य रेखा कहते हैं, जिसे फेट लाइन कहते हैं, जिसे वेल्थ लाइन कहते हैं, कैरियर लाइन भी कहते हैं, इसकी भी एक सिस्टर लाइन होती है कभी कभी, लेकिन किसी व्यक्ति के हाथ में स्ट्रेट रहती है साथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में थोड़े दूर रुक रुक के चलते रहती, कोई आदमी के पास में थोड़ी सी चलती है, इसका अलग अलग महत्व रहता है। क्या रहेगा,
जहाँ जहाँ पर इसको सिस्टर लाइन है उस पीरियड में उस व्यक्ति को वो ताकत देते रहेंगे। अगर पूरी जैसी लाइफ लाइन में है, अगर पूरी साथ में रहे तो बहुत ही गुड साइन है, उसका हमेशा उसको कवर करते रहेंगे, हमेशा उसको डबल इनकम देते रहेंगे। कोई कोई व्यक्ति रहते एक बिजनेस करते हुए साइड में दूसरा करते, कोई व्यक्ति को डबल डबल कमाई रहती है, बीवी की तरफ से भी आती है, कोई आदमी को बाहर से भी इनकम रहती है। उसी प्रकार अगर इसको बाजू में दूसरी लाइन रही तो वह व्यक्ति दो तरफ से पैसा कमाते रहता है। तो इसलिए जहाँ भी सिस्टर लाइन रहेंगे उसको ये अच्छा साइन है। तीसरे आते हैं हृदय रेखा, ये हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन को भी जो हृदय रेखा भी डबल डबल रहती है, ये बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा अगर डबल है और वो सीधी चलते हुए यहाँ तक के आ रहे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जो कोई उसके बीवी बच्चे लवर जो भी कहते, जिससे वो प्यार करता है, जिसके ऊपर नहीं कि अपना कहता है, उस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति अपनी चमड़ी निकाल कर चप्पल बनाकर भी पीछे नहीं हटेगा, ऐसा व्यक्ति रहता है। ये हृदय रेखा है, उसका हृदय इतना विशाल रहता है, उसके दिमाग में एक बार बैठ जाए मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरे दोस्त है, इनके लिए कुछ करना है, तो उनके करने के लिए कुछ भी पीछे नहीं हटता, अतः अंत तक के उसको नहीं दिल से प्रेम करते रहता है और अपार प्रेम करेगा और उनके खातिर कुछ भी करने के लिए ये व्यक्ति तैयार रहता है। ये इस रेखा की क्वालिटी, ये इस रेखा का नहीं क्या स्वभाव है, ये ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में दिखने को मिलता है। थोड़ी थोड़ी रही तो फिर उसको क्या समझना कि उस पीरियड में सिर्फ उसका स्वभाव ऐसा रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा साइन है। कोई भी लाइन अगर डबल रही तो उसका बहुत अच्छा फायदा रहता। बाद में आते हेडलाइन, मस्तिष्क रेखा, इसे भी बहुत से हाथों में मैंने मेरे 20 वर्ष के अनुभव में देखा है कि बहुत से व्यक्ति के हाथ में ये भी डबल रहती है, किसी किसी के नज़दीक रहती है, किसी किसी के दूर रहती है। जितनी ओरिजिनल नकिर के बाजू में अगर वो रखी रहे उतना अच्छा है, जितना दूर दूर रहेंगे तो उसका पावर कम होते रहता है, उसके नज़दीक नज़दीक ही चलते रहने को ना, थोड़ा दूर गए तो फायदा रहता है लेकिन थोड़ा कम होते रहता है। तो ये हेडलाइन जिसके हाथ में दो रहती है उसकी बुद्धि अति विशाल रहती है, ऐसा व्यक्ति गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, प्लॉट बिजनेस, इसमें अपार संपत्ति कमाता है। ऐसा व्यक्ति का दिमाग अगर है उसके पास, अगर वो शेयर मार्केट में या किसी ने के लॉटरी में या किसी लैंड डीलिंग्स में अगर बैठ जाए तो इतना पैसा कमा लेता कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, करोड़ों रुपए में चले जाता ऐसा व्यक्ति। अभी तक आप लोगों ने चार रेखाओं के बारे में समझ गए, चारों रेखाओं के जो डबल लाइन्स होते उसके बारे में भी आप समझ गए कि उससे क्या फ़ायदे होते और क्या नुकसान होते। एक बात मैं बता देता, चारों लाइन में से किसी एक ही डबल लाइन रहती है, एक जो डबल रहती लाइन रहती है वो बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी रहती है। किसी किसी के हाथ में पूरी रहती है, किसी की आधी रहती है, आधी रहे तो उस पीरियड में उसको फ़ायदा देती है, पूरी रहे तो पूरे उसके साथ में जहाँ जहाँ उसका एज वगैरह रहता है वहाँ पर फ़ायदा करते हुए जाती है। अगली मुलाकात में आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा कि कौन सी रेखा कहाँ पर ख़त्म होने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। नमस्कार।